सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? जेई मेंस 2023 का सेकंड सेशन का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में सभी बच्चों के मन में ये तो जरूर चल रहा होगा कि आखिर कितना परसेंटाइल है मेरा, तो मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये सभी बातें आपको चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट रूप से कि आपका कितना परसेंटाइल है, कितना रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कौन से ब्रांच मिल जाएंगे, कौन से कॉलेज मिल जाएंगे, एक एक चीज का जानकारी आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आपको बाबू 0.5 परसेंटाइल है, 5 परसेंटाइल है, 10 परसेंटाइल है, 2 परसेंटाइल है, 3 परसेंटाइल है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर आपका 2 परसेंटाइल भी है ना, फिर भी मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा। और ये वादा सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है, 110% अगर आपका 2 परसेंटाइल 3 परसेंटाइल भी है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग का, यानी कि बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, उसमें एडमिशन जेई मेंस के थ्रू जो होता है उसमें कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, आपका कितना परसेंट रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, एवरी डिटेल। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर ले ताकि आगे का सारा अपडेट आपको वहां पे मिलते रहे। बिहार इंजीनियरिंग 2023 नाम से व्हाट्सएप ग्रुप होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बात को। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। यानी कि बिहार में कितने जिले हैं बाबू? 38 जिला है, 38 कॉलेज है, हर एक जिले में एक एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। ब्रांचेज कितने हैं? ब्रांचेज आपके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बट जो मेन रूप से जो वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले सीएस कंप्यूटर साइंस, दूसरा सिविल, तीसरा ईसी इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। मेन रूप से हमारे इतने सारे ब्रांचेज मायने रखते हैं जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब आप बोलोगे सर सीएससी का सबसे ज्यादा डिमांड है, इसका कितना कट ऑफ है, सिविल का कितना कट ऑफ है, हम एक एक ब्रांच का आपको बताएंगे कैसे क्या होगा, ठीक है, सब चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें आपका दो तरीके के यहां बच्चे होंगे, तीन तरीके के होंगे, जो जेई मेंस नहीं दिए हैं वो भी देखिए, ठीक है। सबसे पहले वो बच्चे होंगे जो सिर्फ सेशन वन दिए होंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ सेशन टू दिए होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों दिए होंगे, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ना ही सेशन वन दिए होंगे ना ही सेशन टू दिए होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे सेशन वन सेशन टू दिए हैं, दोनों सेशन मिला के सो सबसे बेस्ट आपका परसेंटाइल है, आप उसको अलग करके रखिए। सपोज सेशन वन में आपका आया 50%, सेशन टू में 60, तो आप 60 को अलग कर दीजिए। सपोज डेट सेशन वन में आया था आपको 60%, सेशन टू में 5%, तो सेशन वन ही लेना। सपोज डेट एक में आया आपको 7%, एक में 5%, तो 7 वाला लीजिए। आपका चाहे 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, डजंट मैटर, या 80% हो, 90% हो, ठीक है, सबके लिए हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब जो ये उल्टा हो गया था, ये दोनों वाले का केस है, ठीक है। जो बच्चे एक सेशन दिए उनका देखिए परसेंटाइल रहेगा, जो बच्चे नहीं दिए हैं क्या उनका खत्म हो गया, वो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन नहीं ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए एक एग्जाम होगा, डेडिकेटेड एग्जाम बिहार इंजीनियरिंग का, जिसको बोलते हैं बीसीईसी, वो एग्जाम को वो लोग देंगे जो बच्चे जेई मेंस नहीं दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग में ब्रांच वाइज कट ऑफ कितना रैंक, कितना परसेंटाइल है तो मिलेगा। सबसे पहले हम बता दें बिहार के जो टॉप 10 कॉलेज हैं लाइक बीसी भागलपुर, बीसी बख्तियारपुर, एमआईटी मुजफ्फरपुर, डीसी दरभंगा, एनसीई चंडी, ठीक है, भागलपुर, बख्तियारपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा, ये सब टॉप 5 के कॉलेज हैं। इसके बाद भी हैं एलएनजेपीटी है, मोतिहारी है, सुपौल है, ये सब टॉप 10 के जो कॉलेजेस हैं, इसमें आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपका परसेंटाइल अबव 55% होगा, ठीक है, परसेंटाइल।
55 परसेंटाइल अबव है तो इस कॉलेज में आपको सीएस, सिविल ये सब चीज मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब चीज, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी तो आप बोले थे कि 2 परसेंटाइल 3 परसेंटाइल भी है तो भी मिल जाएगा, तो अदर जितने भी कॉलेजेस हैं ये 10 को छोड़ के 28 जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनमें एडमिशन आपको अगर आपका परसेंटाइल कितना भी है, 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल 3 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल तो भी आपको इस 28 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा 100%। अब बोलोगे सर सीएस मिलेगा क्या, सिविल मिलेगा क्या, तो देखिए इस बार से बिहार सरकार ने सीएस का सीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस बार 1500 सीट का एडिशन हुआ है, कितने का 1500 सीट का एडिशन हुआ है, कितने का बाबू 1500 सीएस सीट का एडिशन हुआ है। तो इसीलिए अगर आपका मोर देन 20-30 परसेंटाइल है तो आपको सीएस मिल जाएगा, सिविल मोर देन 10 परसेंटाइल है तो आपको सिविल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा, मैकेनिकल जिसका 2-3 परसेंटाइल है उनको भी कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो ग्राफ समझ गया आप, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या ग्राफ है, ब्रांच वाइज क्या ग्राफ है, सब चीज समझ गया ना आप ना। तो इसीलिए अगर बाबू आप खाई जेई मेंस में, समझिए ऐसे कि अगर आप जेई मेंस में बैठ गए हैं तो आ जाइए हमारे पास, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग में काम करता है तो एक चैनल मात्र करता है वो एस्पेक्टविजन, पूरे बिहार में बिहार इंजीनियरिंग में कोई अगर काम करता है तो वो है एस्पेक्टविजन, एस्पेक्टविजन के अलावा कोई और संस्थान कोई और चैनल बिहार इंजीनियरिंग के फील्ड में काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जाके जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आपका कितना भी परसेंटाइल है बाबू आप हमारे पास आइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे, एक सलाह और मैं देना चाहूंगा, जिसका बाबू जिस बच्चे का रैंक जो है परसेंटाइल जो है 5 परसेंटाइल से नीचे है, ध्यान से समझिए 5 परसेंटाइल से नीचे हैं वो लोग, बिहार में एक डेडिकेटेड बिहार इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम होती है बीसीईसी, बीसीईसी इस एग्जाम को आप लोग दे लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपका इससे अच्छा रैंक आ गया तो आपको बेटर कॉलेज मिल जाए। अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है, जून जुलाई में इसका एग्जाम होता है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए बीसीईसी, आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगा, और बीसीईसी के फील्ड में भी नंबर वन एस्पेक्ट विजन है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बीसीईसी, हमारा ही वीडियो मिलेगा। इससे अच्छा आप हमारे चैनल पे जाके बीसीसी का प्रीवियस कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बीसीसी एग्जाम क्या है। इसके थ्रू भी एडमिशन होता है बीसीसी एग्जाम के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जिसका भी 5 परसेंटाइल से कम है वो बीसीसी एग्जाम जरूर दे ले, और जिसका इससे अभव है उसका कैसे होगा एडमिशन आप बताते हैं, ठीक है भैया जेई मेंस का रिजल्ट आ गया हमको इतना परसेंटाइल आ गया, अरे कम ही आया कोई बात नहीं कॉलेज मिलेगा, तो सर एडमिशन कैसे होगा, तो अब होगा आपका काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग होगा, ठीक है, अब एग्जाम नहीं होगा, अब सिर्फ होगा काउंसलिंग। उस काउंसलिंग की प्रक्रिया का नाम है, ध्यान समझिए ये वर्ड अब आपके साथ 3-4 महीने रहने वाले हैं, यूजीईएसी, क्या रहने वाले बाबू यूजीईएसी, ये एक काउंसलिंग प्रक्रिया है बिहार का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग यूजीईएसी, यूजीईएसी 2023 इसका फॉर्म आएगा, कब आएगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, इसका फॉर्म आएगा आपको अपने जेई मेंस के एप्लीकेशन आईडी से भरना रहेगा, आप फॉर्म को भरिएगा, उसके बाद आपका बिहार में रैंक जनरेट होगा। अभी जो आपका रैंक कार्ड आया है जेई मेंस का उसमें तो आपका ऑल ओवर इंडिया का रैंक बताया गया ना, अब आपका बिहार में कितना रैंक है, जितने बच्चे यूजीएक का फॉर्म भरेंगे, इसको यूजीएक बोलिए यूजीएसई बोलिए सब बात बराबर, जितने बच्चे यूजीएक का फॉर्म भरेंगे उसमें से आपका रैंक कितना है, ये बिहार का रैंक कार्ड आपका जारी होगा, एंड उस रैंक कार्ड के बेसिस पे आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। अब आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है, ऐसा मत सोचिए यूजीएक का एग्जाम होगा, एक एग्जाम दे दिए फिर से देंगे, नहीं, सिर्फ एक रैंक जारी होगा एंड उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा किसमें, यूजीएक यानी कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्लियर है। इसका फॉर्म आएगा आपको लगभग रखिए कि मई में आ जाएगा, क्योंकि अब रिजल्ट आ गया आपका, मई महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा, जून जुलाई में काउंसलिंग होके इसका आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड सारा अपडेट के लिए आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन करें, और जो बच्चे जेई मेंस नहीं दिए हैं फिर भी चाहते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले वो बीसीसी एग्जाम दे दीजिए, ठीक है, और जो बच्चे का 5 परसेंटाइल से कम है तो भी वो बीसीसी एग्जाम दीजिए, ठीक है। भरोसा रखिए आपका बाबू चाहे 5 परसेंटाइल हो 10 परसेंटाइल हो, आपको सीएस चाहिए सीएस दिलवाएंगे, सिविल चाहिए सिविल दिलवाएंगे, इलेक्ट्रिकल चाहिए इलेक्ट्रिकल दिलवाएंगे, जो ब्रांच बोलिएगा वो दिलवाएंगे, आपका कितना भी परसेंटाइल हो डजंट मैटर, ठीक है।
इसीलिए सभी लोग हमारे थ्रू जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट, ये मैं लिख के देता हूँ, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सारा अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा, यूजेक का कब फॉर्म आया, लोगों को पता नहीं चल पाता, मैं बाबू बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ बिहार इंजीनियरिंग का, और एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बच्चे बाद में बहुत पछताते हैं कि सर मैंने तो जेई मेंस दिया था, मुझे पता ही नहीं चला यूजीए का फॉर्म कब आया, और हम फॉर्म नहीं भर पाए, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। बाद में जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब यूजीए का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, बच्चे मेरे पास रैंक कार्ड लेके आते हैं अपना जेई मेंस का रिजल्ट स्कोर कार्ड लेके कि सर देखिए मैंने जेई मेंस दिया था, मुझे पता ही नहीं चला कब आया, इसका फॉर्म कब निकल गया। इसीलिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मस्ट ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और आप फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू।